हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आज हमारा एक क्वेश्चन आया है। एन इनकम्प्रेसिबल होमोजेनियस फ्लूड इज फ्लोइंग स्टेडली इन अ वेरिएबल डायमीटर पाइप हैविंग अ लार्ज एंड स्मॉल डायमीटर एज 15 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स जो हमारा लार्जर डायमीटर है पाइप का वो 50 सेंटीमीटर है और जो स्मॉल डायमीटर वो 5 सेंटीमीटर है। इफ द वेलोसिटी एट अ सेक्शन एट अ द 50 डायमीटर पोर्शन ऑफ द पाइप इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड इन मीटर पर सेकेंड एट अ सेक्शन फॉलिंग इन 5 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ द पाइप इज। मतलब कि साथियों, अगर हम इसको फिगर से आता बताएं तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल पाइप है, यहाँ पे इसका डायमीटर अधिक है और इधर हमारा क्या है, कम है। तो यहाँ पे दो डायमीटर दिए हुए, आप समझ पा रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो डायमीटर है, मान सकते हैं इसका जो डायमीटर है यहाँ पे, वो हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इधर इस साइड क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे छोटा टाइप दिया है। यहाँ पे ये हमारा, मान सकते हैं इसको क्या, हमारा 5 सेंटीमीटर, इधर हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ और बोला गया था, जो 50 मीटर डायमीटर का पोर्शन है वहाँ पे जो स्पीड साथियों वो हमारे को दी हुई है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी दी हुई है साथियों हमारा है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस साइड हमारा पूछा जा रहा है, इस साइड हमारा पूछा जा रहा है कि हमारी वेलोसिटी क्या होगी। अगर हम इसको सेक्शन मान लें 1 और इसको हम सेक्शन मान लें 2, तो हम इसको लिख सकते हैं ना V1 और ये हमारा हो जाएगा V2। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमको एक क्वेश्चन पता है क्या, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन बोल सकते हैं हम। अब साथ हमारा क्या कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, या फिर बोल सकते हैं हम इसको, हमें क्या लिखते हैं या फिर एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है थ्रो इन अ पाइप। तो साथियों ये सभी एक वैल्यू पुटअप करते हैं। A1 हमारा साथियों क्या है, एरिया एट क्रॉस सेक्शन 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई बाई 4, यहाँ पर जाएगा हमारा क्या D1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई V1 हमारा क्या है साथियों, यहाँ पे V1 रख देंगे एज इट इज, इक्वल टू हमारा A2 पाई बाई 4 D2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई V2। हमारा पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। D1 हमारा है साथियों यहाँ पे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसको लिखिए 15 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साथियों यहाँ पे हो जाएगा हमारा V1। V1 हमारा है 2.5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या बात करेंगे हम इसका स्मॉल डायमीटर का, तो हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हमारा V2 हमारा साथियों यहाँ पे निकालना है हमको। तो V2 हम यहाँ पे एज इट इज रख देंगे साथियों, क्योंकि यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे आएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड और यहाँ आएगा मीटर पर सेकेंड निकलेगा। तो यहाँ सेम कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारा V2 निकल के आएगा वो किसमें निकल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, इसलिए कन्फ्यूजन मत होइएगा। हम सॉल्व करते हैं, तो V2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। तो हमारा जो V2 निकल के आता है वेलोसिटी एट सेक्शन 2 वो निकल के आता है 22.5 मीटर पर सेकेंड। साथियों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमको एक क्वेश्चन याद रखनी है, फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये वैल्यू रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।